अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो बनाए हुए, क्योंकि शायद थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था और बहुत ज़्यादा काम का लोड था, तो बस इसी वजह से जो है वो वीडियो नहीं बन सकी। फिर कभी कभी इंस्पिरेशन भी इंसान के पास इतनी नहीं होती किसी चीज़ से कि वो कुछ क्रिएटिविटी कर सके, और क्रिएटिविटी के लिए क्रिटिकल है इंस्पिरेशन का होना। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, वो ये कि यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर इंस्पिरेशन। योर इंस्पिरेशन हैज़ टू बी योर ओन, बिकॉज इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर योर इंस्पिरेशन विल बिकम अ मिजरी फॉर यू। स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा दूसरों के रवैयों को और एहसासात को महसूस करते हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस बनती हैं ये बातें। ऐसा नहीं है कि मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरी फील्ड की वजह से भी, बिकॉज आई एम ए नेचर पर्सन, आई हैव लर्न टू कॉन्शियसली नेविगेट माई सेल्फ फ्रॉम बैड थाट्स एंड फ्रॉम बींग डीमोटिवेटेड। एंड वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर आई रियलाइज दैट इफ आई you know feel that others will motivate me, that's not going to happen. And especially if you're an HR, you're an HR person or you're a line manager, you would know ki aapki motivation aapke haath mein hai. Bosses do not motivate you that way. Bosses can inspire you, but motivation is something that you know comes from within. And motivation has a very direct impact on creativity, to the point that after working in HR for over 17 years, I've begun to realize that, you know, और अभी शायद इतनी ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे इस बारे में, आर्ट थेरेपी, एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट आर्ट थेरेपी नाउ। मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरत है इसकी हमें, और मुझे ऐसा भी फील होता है कि हमारे यहाँ लोग आर्ट को थोड़ा अवॉइड करते हैं, प्रोबेबली बिकॉज दे फील दैट दे विल नॉट बी गुड एट इट। बट हिज यू नो अ फन फैक्ट अबाउट आर्ट इज़ दैट यू रियली डू नॉट नीड टू बी गुड एट इट एट ऑल टाइम्स। आई नो आई एम नॉट गुड एट इट एंड आई हैव नेवर लर्नड आर्ट प्रोफेशनली। येस आई हैव डन फ्यू कोर्सेज through you know Udemy and Domestika, but I've never ever studied art professionally. I am a trained HR professional, but I am not a trained artist. But that was something you know that was in me, and I feel ki this is the best medium for expression for me. It makes my life much much easier. और जब मैं आर्ट कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई फील रिलैक्स, आई फील मोर कंपोज, बिकॉज आपकी पूरे दिन में इतना कुछ आपके साथ हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में इतनी हलचल है। और आजकल कंसीडरिंग दी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, आई थिंक एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू टू मच इन लाइफ राइट नाउ। तो वो जो है वो थोड़ी सी वैसे ही मिजरी बन जाती है आपके लिए। अच्छा, इस पे ज़्यादा गौर ना कीजिएगा जो ये मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम पुअर इन ज्योमेट्री, आई वॉज नेवर एवर गुड एट इट एंड आई स्टिल कांट यूज़ इट प्रॉपरली। दिस इज़ अ मिजरी दैट आई गो थ्रू, बट बिकॉज आई हैड टू ड्रॉ अ मंडाला, दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू डू दिस। एंड एन्जॉय माई स्ट्रगल विद इट राइट नाउ। कुछ ना कुछ तो सर्किल बन ही जाएंगे। सही, सो कमिंग बैक टू आर्ट थेरेपी, आई फील दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल नीड इट वेरी सीरियसली, बिकॉज एट द एंड व्हेन वी ग्रो ओल्ड वी स्टार्ट हैविंग
अदर इशूज़, पीपल गेट डिमेंशिया, पीपल गेट अ लॉट ऑफ अदर साइकोलॉजिकल इशूज़, बट इफ़ यू हैव वन हॉबी एंड इट डज नॉट नीड टू बी आर्ट एट ऑल टाइम्स और दिस सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर दैट मैटर, बिकॉज आर्ट की भी बहुत वेरिएशन एंड यू कैन डू अ लॉट मोर और एक्सप्लोर मैनी अदर थिंग्स. तो आपको काफ़ी यू नो लाइक रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आपको इस तरह की चीज़ करेंगे. आई हैव सीन पीपल डू प्लांटिंग. इनफैक्ट वन ऑफ माई अंकल्स, ही यू नो लाइक रिटायर्ड फ्राम अ बैंक एंड ही डज अ लॉट ऑफ प्लांटेशन इन हिज हाउस एंड आई थिंक इट्स अ वे ऑफ फॉर हिम टू रिलैक्स एंड सॉर्ट हिमसेल्फ आउट, बिकॉज एवरीबडी नीड्स सम टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ. कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म मत कीजिएगा लाइफ में. रिमेंबर यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू हैव योर ओन इशूज, यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस एंड यू हैव टू डील विद दैम द वे यू वॉन्ट टू डील विद इट. द अदर डे समबडी टोल्ड मी कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फ्री हैंड ड्राइंग करना. मेरे लिए फ्री हैंड ड्राइंग करना काफ़ी मुश्किल है एक्सेप्ट फॉर डूडलिंग. डूडलिंग आई कैन डू, बट इफ समबडी वॉन्ट्स मी टू ड्रॉ एन इमेज और समथिंग, आई एम पुअर एट इट. और मैं रियली स्ट्रगल कर रही हूँ उस बात से कि मैं किस तरह अपने आर्ट को किसी बिजनेस या किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकूँ जहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट हो सके, बिकॉज आई फील दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू वन आई रिटायर. अच्छा, इस ड्राइंग का एक फ़ायदा और ये भी होता है कि ना बिकॉज आप कॉन्शियसली, एटलीस्ट मैं कॉन्शियसली नहीं कर रही होती इसको उतना, तो मुझे सोचने में बड़ी आसानी होती है कुछ भी. तो मैं कभी काम के बारे में सोच रही होती हूँ, कभी घर के बारे में सोच रही होती हूँ, कभी अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती हूँ, कभी पेरेंट्स के बारे में सोच रही होती हूँ. तो इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग प्रोसेस एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ एनरोल्ड इन आर्ट थेरेपी. तो आई होप कि दैट ऑल्सो हेल्प्स मी एंड आई कैन हेल्प अदर पीपल दैट वे ऑल्सो टू ब्रिंग सम चेंज इन देयर लाइव्स विच हेल्प देम कोप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन अ डेली बेसिस. अगर कोई यहाँ पे HR की फील्ड से है और सुन रहा है तो दे वुड रियलाइज दैट इट्स एन अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट वी गो थ्रू. Because you see other people getting upset, you have to keep a balance between management and the teams, you have to be the sane one at all times, you cannot share your emotions but you're absorbing a lot of emotions coming from all directions. So it's not easy always and it does take a toll on your health. But it is my sincere advice to everybody that please do pick a hobby. Critical for you to pick a hobby so that you can relax. And it's really fun drawing these sort of things. So here is a zoomed image of it. And I hope you like it. When I started making videos, people were giving me all sort of advice. You know, some said that I should talk about the art that I'm doing. Some said that I should talk about books. Some said that I should just share my experiences. But I will be honest with you, I want to do all of it. But I want to keep it natural. Because for me,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट वट यू नो वट वट द व्यूअर्स वॉन्ट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर माई थाट्स, बिकॉज दैट इज़ माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ ऑल्सो. And art has been the biggest blessing in my life. It really, really helps me calm down. And you know, like relaxing is critical for anybody. When they talk about work-life balance, it's important that you understand that relaxing is a part of work-life balance, because every time you know, even at home you go through so much. You have to look after the maids, bachon ko dekhna hai, shohar ko dekhna hai, maa baap ko dekhna hai. So there's a lot that goes around in running the house also. So it's not only for working women or men, it's also for the you know, like the people who are at home, that they need these sort of things. Or I am not trying to be gender specific when I say these things, because I feel like women, men also need some form of recreational activity. खाली wrestling या cricket देखने से वक्त नहीं गुजरेगा. You have to be a bit more engaged with your own self. That will help you a lot. And it is, you know, important. I think it is the most important thing after a time. So जनाब, तकरीबन जो है ये complete होने की तरफ है. और what I'm thinking is actually adding black color into the surroundings other than the doodle, because doodle तो है ही the core of it, but वो भी बहुत important है, because black background जो है ना actually इस design को उठा देगा और visibility ज़्यादा हो जाएगी इसकी. आर्ट की खूबसूरती और आर्ट की सबसे मुश्किल चीज़ ही एस्थेटिक सेंस होना है, बट एस्थेटिक सेंस ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन. आई विल अटैच फ्यू थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन विच कैन हेल्प यू बाय आर्ट स्टफ इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट ओवर हियर, बिकॉज पाकिस्तान में आर्ट सप्लाईज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं. इनफैक्ट आई डू वन वीडियो इन विच आई शेयर ऑल द आर्ट सप्लाईज दैट आई बाय लोकली एंड एज वेल एज़ इंटरनेशनली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से नहीं ख़रीद पाती, मैं बाहर से ही ख़रीदती हूँ. और कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ से लेती हूँ वो मैं ज़रूर उसका लिंक शेयर करूँगी, सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट. आई होप यू लाइक द डिज़ाइन, बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग इट, एंड I hope you like the conversation also, though it is very one-sided. I would love to hear from you. Please do share your thoughts and comments. And please like and subscribe the channel. Thank you so much. Have a fantastic day ahead. Here's the final look. Hope you like it. Have a good day.